फारूखी को लेके विकी भैया ने अब डील की है मनारा से। मनारा जो है बीच में आ रही है, जब भी लड़ाई हो रही है अभिषेक और मुनावर और विकी भैया की। और मनारा ही नहीं, अभिषेक भी आ रहे हैं, अरुण भी आ रहे हैं, ये दो टीम डिवाइड हो चुकी है। एक दूसरे को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे की जो है वाट लगा रहे हैं, जो कि ये दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। और ग्रजेस भी जो है दिलों में जिसके जिसके लिए है वो भी दिखाई दे रही है। अब रही बात मनारा की, मनारा जो है चाय मांग रही है कब से, पर ये इतने ज्यादा गंदे हैं कि इनका मानना ये है कि भाई इसको चाय मत दो। क्यों? क्योंकि ये सोई रहेगी, हमारे ऊपर टॉर्चर नहीं करेगी। पर विक्की के साथ अच्छी इक्वेशन है मनारा की, तो मनारा जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विक्की से बात कर रही है। और मनारा जो है लेटी होती है सोफे पे और बोलती है कि मुझे चाय बना दो। वो बोलते चाय लेके तू क्या करेगी, बोलती मैं पीऊंगी। तो बोलता अच्छा मैं ला दूंगा, पर तू मेरे से वादा कर कि मैं वहां पर बैठूंगा, तू कुछ नहीं करेगी। तो मेरे और मुनावर, तू फिर मुनावर के साथ कुछ होता है तो बीच में आ जाती, तू बीच में नहीं आएगी। तो बोलती अब चाय तो दिलाओ, दूध दूध तो दिलाओ, तब उसके बाद देखेंगे। वो बोलते नहीं मुझसे वादा कर, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यानी कि इसको टॉर्चर नहीं करना, चाय के बदले डील करने की कोशिश कर रहा। और अगर मुनावर के बीच में मुनावर और इसके बीच में लड़ाई हुई तो ये बीच में ना आए, ऐसा वादा जो है वो ले रहा है, ऐसी डील जो है विक्की भैया कर रहा है। जहां पर ये सब चीजें बात ही कर रहे होते हैं, वहां पर अंकिता और ईशा आयशा जो है अंदर आ जाते हैं। और वहां से मनारा उठ के चली जाती है, क्योंकि पता है उसको कि ये लोग कितने ज्यादा इनसिक्योर जो है हुए हुए हैं। ईशा जो अंदर आके बोलती है कि विक्की भैया, अगर आपने ऐसा सब चीजें किया ना, अगर ढीले पड़े तो फिर हम भी ढीले पड़ जाएंगे। यानी कि मनारा की तरफ इनको ढीले नहीं पड़ना है, मनारा को सब चीजें नहीं देनी है, दूध नहीं देना है, कॉफी नहीं देनी है, चाय नहीं देनी है, आपको कुछ नहीं देना है। इन्होंने कहाँ पे छुपाया हुआ या इनके पास था, कुछ चीजें ऐसी हुई है। तो अंकिता का भी कहना यह है कि अगर तू मनारा की तरफ ढीला पड़ा तो भाई मैं भी ढीली पड़ जाऊंगी। ये चीज जो है अंकिता लोखंडे ने भी बोली। और वहीं पर विक्की भैया ये भी ईशा को बोल रहे कि भाई तेरी जो स्किन है ना वो भी खराब हो जाएगी। तो बोलती कोई बात नहीं भाई, मैंने लफेड़े जो है ये फेकू लाल से बहुत ज्यादा खाए हैं, ये अभिषेक जो अभिषेक के बारे में बात करती है उससे लफेड़े बहुत खाए हैं, तब नहीं मेरा स्किन खराब हुआ, अब क्या, आप तो डटे रहेंगे। अब अपने आप को ये लोग मोटिवेट करने के लिए लगे हुए हैं कि भाई हमें कोई टस से मस नहीं कर सकता। पर मुनावर फारूखी अब इतने ज्यादा जोश में आए हुए हैं कि मुझे लगता है कि ये 10 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।